ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा शेर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिकी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ होते हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है वह चंडाल प्रवृत्ति का होने के पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। वह सदा मुझको प्रिय होता है। जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वह मेरे प्रिय हैं। चौमास में भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वारके में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चतुर्मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भी इसको नहीं भूलना चाहिए। देवशयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की। भगवान विष्णु की जय।